कि वही पोमियाना जो हमने सुबह खाई वो यहाँ बन रही है। यार ये टाउन तो वाकई में जो है ना बहुत ही खूबसूरत है कि उस चर्च में जो है वहाँ पे काफी सारा वहाँ पे काम किया हुआ है गोल्ड का। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम क्यूमी। इनकी जो रिपब्लिक है ये स्टेट है मेनोस कराइस, या इसको कहते हैं शॉर्टली MG, वहाँ पे हम हैं। और जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था परसों, उसकी वजह से मैं कल का दिन यहाँ पर रुक गया था। कल मैं हॉस्पिटल गया था परसों, अपने एक्सरे वगैरह करवाए थे और कुछ वहाँ से दवाई वगैरह ली, तो कल काफ़ी बेहतर हो गया था मेरा ये दर्द। इसका जो है नहीं हो रहा अभी भी। आज जो है मैंने सुबह कोशिश किया कि मेरा दर्द कैसा है, तो दर्द मेरा जो है काफ़ी हद तक जो है कम हो गया। तो इससे पहले कि मैं यहाँ पर दो चार दिन और गुजारूँ, मेरा ख्याल यह कि आज मैं थोड़ा सा आगे मूव कर जाता हूँ। लेकिन हम इतना लंबा सफ़र नहीं करेंगे आज, हम कुछ थोड़ा सा आगे चले जाएंगे रियो डी जनेरो। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, यहाँ पे हैं इस टाइम हम प्यूमी, और यहाँ से अब हमने सफ़र अपना करना है टूवर्ड्स रियो डी जनेरो। लेकिन यहाँ से रियो पहुँचना तकरीबन है कुछ 700 किलोमीटर, तो मैं इसको एक दिन में नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरे भी जो है टांग वो उसका मसला है। बीच में यहाँ पर एक मुझे नज़र आया एक पुराना शहर है, इसका नाम तिराडेंटेस, जो कि एक पुर्तगीज शहर है और लगता है सुना है कि काफ़ी खूबसूरत है वहाँ का स्ट्रक्चर भी, वहाँ की बिल्डिंग्स भी, वहाँ के जो है आर्किटेक्चर। तो हम वहाँ पर रात गुजारेंगे चल के आज तिराडेंटेस में, उसके बाद कल हम इंशाल्लाह आगे पहुँचेंगे टूवर्ड्स रियो डी जनेरो। तो अभी आज का जो प्लान हमारा ये है कि हम पहुँचेंगे तिराडेंटेस, उसका हमारा तकरीबन है सफ़र कोई 300 किलोमीटर का है। या लेकिन उससे पहले हम करेंगे जनाब नाश्ता, और नाश्ते में जो है ये अंकल जी ये बहुत ही मेहनत करते हैं, ये हर वक्त जो कुछ ना कुछ पकाते रहते हैं ये भाई साहब। ये जो है ये टिपिकल ब्राज़ीलियन जो है क्विज़ीन है, चीज़ की बनी हुई है, इसके अंदर चीज़ है और इसमें साथ कुछ और चीज़ें जैसे पड़ी हुई हैं। और अब ये अंकल जो है ख़ुद ही ये बनाते रहते हैं चीज़ें। ये जो है मुझे उस तरह अपने साथ ले गए थे हॉस्पिटल में अपनी गाड़ी पे, कहते हैं कि तुम टैक्सी बना जाओ मेरी गाड़ी में जाओ, सो थैंक यू टू हिम। और यहाँ पर हमारा पड़ा हुआ है चीज़, यहाँ का ये लोकल चीज़ है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ये केक्स वगैरह, पपाया, साथ में केले हैं, और बार वहाँ पर जो है पपाया का एक दरख्त भी वहाँ पे है। तो मैं नाश्ता करता हूँ, तैयारी करते हैं, एंड देन वी हिट द रोड टुडे, जॉइन मी। तो ये जनाब अंकल जी ने कुछ बनाया मेरे लिए नाश्ते में, कहते हैं कि इसको खोलो और इसको चेक करो कि ये तुम्हें कैसा लगता है। तो ये किसी पत्ते के अंदर जो है ये लिपटा हुआ है किसी, और इस पत्ते के अंदर यहाँ पर और पता नहीं क्या क्या है, इसके अंदर भी कुछ ये चीज़ है क्या? हाँ पोलेंता लुक्स नाइस विथ चीज़ इनसाइड। तो ये देखें जी, ये इसके जो है ना ये पत्तों के अंदर स्टीम में बना हुआ है गैस ये, और ऊपर से पता नहीं क्या है ये पोलेंता, लेकिन उसके अंदर मुझे लग रहा है कि उसके अंदर भी जो कुछ चीज़ है। लुक्स टेस्टी, लेट मी ट्राई दिस। मुझे बियन केजो सी सी, ऐसे कहते हैं जनाब पामोनिया, क्योंकि उसके अंदर जो है वो एक दो पत्तों के अंदर छुपा हुआ है ये, तो लेकिन इट्स वेरी टेस्टी। ब्रिगाडो। अब जनाब मुझे उन्होंने जो है ना दिखाइए कि उसके बनाते कैसे हैं। ये जो है ये कॉर्न के पत्ते हैं, और ये कॉर्न ही है, उस कॉर्न को जो हमारी जो होते हैं ना मकई, उसके दाने उतार के उसको पीस के उसको पकाया है किस तरीके से, उसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह डाले हैं, और फिर उसमें जो है उसमें वो डाला है चीज़, पत्ते हैं मकई के, उसमें लपेट के उसको फिर उबाला है। वाह इंटरेस्टिंग वे टू ईट समथिंग विद द कॉर्न, बट दिस रियली टेस्टी। ये अंकल जी है मुझे पता नहीं खिला खिला के मुझे खिला खिला के या इन्होंने मुझे यहाँ मोटा कर देना। सेरा कनेस्त्रा का स्पेशल यहाँ का ये चीज़ है। दोसे गोयाबा। यस। ओके आई डोंट नो कि क्या है दोसे गोयाबा, लेकिन हाँ दिस इज दोसे। ओके तो ये कुछ स्वीट, आई थिंक ये कोई जैम टाइप है। इट्स वेरी टेस्टी। चीज़ के ऊपर जैम टाइप इसके ऊपर कुछ लगा कर दिया उसने मुझे, नाइस वेरिएशन। इस टाउन को इतना अच्छी तरह एक्सप्लोर नहीं कर सके क्योंकि हमारे चलने में यह तकलीफ़ हो रही थी और अभी भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आज क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं तो खैर, और आज वैसे भी जो है संडे है, तो यहाँ पे सामने एक उनकी जो है ना उनके यहाँ पे लगती है मार्केट,
ट्रेडिशनल मार्केट, तो क्यों ना हम जरा वो जाके पहले चेक कर लें बिफोर वी लीव। तो ऊपर से जो है वेदर वो भी जो है ना काफ़ी क्लाउडी हो रहा है, बारिश के आसार हैं, कल पूरा दिन बारिश होती रही है। और हमारी जो है गोंजालेस उसने बारिश में जो है ना कल उसने नहाया अच्छा खासा, क्योंकि मैं अपने कमरे में था, मेरे से हिला नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा ठीक है देखी जाएगी सुबह। अभी हम चलते हैं जनाब इस मार्केट में, चल के मार्केट चेक करते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओए अच्छा, यहाँ पे हेलो बोलना जो है बहुत ही आसान, कहते हैं ओई, हेलो को यहाँ पे कहते हैं ओई। लेट्स सी वेयर इज द मार्केट। नहीं जी, हमारे सामने ये बकरियाँ खड़ी हुई हैं और इन बकरियों के साथ आई थिंक यू डोंट वांट टू मेस विद दीज गोट्स। वाओ, ओई वेयर आर दे फ्रॉम? कनस्त्रा द गोट्स। Can I touch? उस्ताद आप इनकी यार ये देखें, इनके सींग देखें इनके। ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि बकरियां जो हैं वो इस तरह खींच रही हैं। इसके अंदर है क्या? जिसको अपने सींग मार उसको तो काम हो गया। प्रिगाद नहीं है जी, ये है जी हमारी संडे मार्केट। यहाँ पर हमें गन्ने का जूस भी मिल रहा है। ओए ओए बुंदिया, यहाँ पे तो बहुत ही शोर शराब है जनाब। पर अब यहाँ पे हमें ये गोश्त मिल रहा है, दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ मीट। आई थिंक ये सारा जो है ये बीफ है, कुछ सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, ओकरा या पता नहीं ये कौन सी सब्जी है, कुछ और सब्जियाँ हैं, पम्पकिन, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, इंटरेस्टिंग। ये चीज़ जो है यहाँ का ये फेमस है, और ये मुख्तलिफ किस्म के अर्ब के साथ जो है ना, हाँ ये दोचे बना हुआ है, ये कोई जो है ना पेस्ट है, कैरामलाइज समथिंग जिसे हमने पहले वहाँ पे खाया ना वो बना हुआ था गुआवा के साथ, और ये कुछ और चीज़ है। दोसे दलेचे भी एक बनाते हैं कैरामलाइज, मिल्क यहाँ पे एक होता है, और ये हनी पड़ी हुई है। ओए बंजिया, ये कुछ फिश पड़ी हुई है। वाह, हमें पुर्तगीज़ नहीं आती इसलिए हम उनसे सिर्फ हेलो हाय कर रहे हैं बस, ज़्यादा कोई बात उनसे नहीं कर रहे। लुक एट दिस मैंगो, वाह ब्यूटीफुल। और ये बनाना कैसे हुए? ये वाले बनाना के टाइप बड़े इंटरेस्टिंग है, और कुछ मुर्गे। दिस इज मैसिव एवोकाडो। ये कौन सी फिश है? स्नेक फिश। गुड मॉर्निंग पुंजिया, मुझे पुर्तगीज भी आती होती ना यार, मज़ा आ जाना था। भला स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश आप प्लस इंग्लिश मासमे, व्हाट इज दिस? विंटी, या व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? अलाइवी, इस अलाइवी, लाइव, या यू आर इन द कैमरा लाइव, यस। व्हाट इज दिस? डोंट नो, नो, आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज। Probar, but this is too much. Too much? No. This is too big. Mass, this is mass. Mass. Frango, galinha, caipira, você pode fazer junto. Não sei. Tutorial. Hã? Tutorial. YouTube. 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 See? Tutorial. You go on the YouTube. YouTube? Yeah. Yeah. You speak espanhol. Español un poquito, sí. ¿Tú hablas español? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Ok. ¿Qué es esta? Vinci. ¿Para comer? ¿Para comer, sí? Ok. Ok, ¿y esto no sé qué es? ¿Para comer? ¿Es algo de root peat? ¿Es algo de qué es? Looks interesting. So, ¿cómo te llamas? Hawaii. ¿Nombre? My name is Hawaii. Hawaii. My name is Archie. मुझे गुस्ता से बाय। ये जनाब यहाँ पे जो है ना कॉर्न की तैयारी कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह यहाँ पे कॉर्न खाते हैं ना, हम वहाँ पे कॉर्न नहीं वैसा खाते हैं, हम उसको पता नहीं उसको सिर्फ उबाल के उसको भून के वैसे खा लेते, यहाँ पे जो कॉर्न की जो है वैरायटी वो बहुत ज़्यादा है।
अभी अब मेरे ख्याल में आपका शोर कम आ रहा होगा। इसी अगेन दुल्से द लेचे, कैसे दुल्से द लेचे सी दुल्से द लेचे। ओके तो ये कैरामलाइज मिल्क है आई थिंक, बर्फी टाइप है, वेरी टेस्टी। व्हाट इज दिस? जलेया की मोकोटोर। ये जेली टाइप है और ठंडा, ये मजे का। मुझे बियन, मुझे बियन। अब्लास इंग्लिश स्पानियोल? नो स्पानियोल, जो नो पोर्चुगीज। ओके अच्छा मुझे गुस्तो दिखा दो, दिस मार्केट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा अब यहाँ पे जो है इस स्टॉल में यहाँ पे सामने बना रहे हैं पस्ताइल, जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल जो है ना खाना है, और उसमें वहाँ पे जो उसमें वो डाल रही है आई थिंक उसमें कीमा वगैरह है उसको फ्राई कर, और ये सारी जो है ये सारी क्यू उसकी खड़ी हुई यहाँ पे कि ये जो है यहाँ से पस्ताइल लेंगे, ये उसमें चीज़ डाल रहे हैं एंड पीपल लव इट हियर, लुक एट दिस। अच्छा उस तरफ जो है, उस तरफ वहाँ पे सारी बेचने वाली चीज़ें हैं, और इस तरफ आती हैं सारे जो है रेस्टोरेंट टाइप खाने की चीज़ें, खाने के स्टॉल लगे हुए हैं। ये आई थिंक कोई पोर्ट वगैरह है उसके कुछ बना रहा है ये, आई डोंट नो। साथ में वहाँ वो ब्रेड लेके आ रहा है। हाँ ये वही है जो हमने आज सुबह खाया है। ओए इससे कौन माइस 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 केक पमोनिया सी 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 जो हमने आज खाया पमोनिया थी? हाँ तो यहाँ पे जनाब ये बन रही है वही जो है ना पोमियाना सी, हाँ ये वही पोमियाना जो हमने सुबह खाई वो यहाँ बन रही है। ब्रिगाडो वो इट टेस्ट गुड? अबलास इंग्लिश स्पानियोल नो इज इट बुएन बियन? ये जो है वो क्या है ना अपना कॉर्न के साथ का बना हुआ जो हमने सुबह खाया है, ये बहुत ही मज़े का था। पुडिंग पुदाओ, नो आइडिया व्हाट दिस इज। ओके ब्रिगाडो, ये तो टोटली जो है ना एक नई दुनिया हमारे लिए है यार ये, और एक नए तरह के यहाँ पे खाने हैं। ये वाले खाने यहाँ पे खाए थे हमने कुछ सेकंड, ज़्यादा नहीं खाए। यहाँ पर ये वही पस्ताल बना रही है आई थिंक। अमेजिंग लुक एट दिस वर्ल्ड, ये वाली दुनिया हमने पहले कहीं पे कभी देखी नहीं है, समथिंग टोटली न्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्हाट अ फैमिली दिस वाज, इतनी मेहमान नवाज फैमिली जो है मुझे यहाँ मिली है बहुत ही, और स्पेशली इस हालत में कि जहाँ पे जो है मुझे वाकई में एक अच्छे घर की ज़रूरत थी। उन्होंने मेरे कपड़े भी धोए हैं, उन्होंने जो है मुझे हॉस्पिटल लेके गए हैं, मुझे फिर वहाँ से जो है सारा मेरा बड़ा ख्याल रखा है। दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग कि जब यहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं कि आपको ज़बान भी नहीं आती, और उसके बावजूद आपको इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे लोग आपको वहाँ मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे दो रातें गुजारी हैं, और इन दो रातों में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मेरा चोट है वो काफ़ी बेहतर हो गई है, इसलिए फिर हम आज आगे जा रहे हैं। तो व्हाट अ ब्लेसिंग, आज का जो हमारा सफ़र है 13 दिनतस तक का जनाब, वो तकरीबन है कोई 300 किलोमीटर्स का, और उसमें ज़्यादातर जो है उसमें आई थिंक वो पेव्ड रोड ही होगी, और मैं पेव्ड रोड ही लूँगा, ज़्यादा मैं ऑफ रोड करूँगा भी नहीं, क्योंकि अभी जो है मेरा घुटना वो अच्छी तरीके से हील नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले जाके वहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं, और फिर जो है हम आगे कुछ और काम करते हैं। बाइक के मैंने सर्विस करवाना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए हमें टाइम ही नहीं मिला। टाइम से मतलब ये कि उसका जो है ना हमें बेड रेस्ट से हमें टाइम ही नहीं मिला। अब देखेंगे इसको रास्ते में कहीं पर करवाएँगे 13 दिनतस में या फिर रियो में। Hola amigo. Gasolina? Sí. Sí. Lento. Sí, sí. Sí. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbil munqalibun. Hamara safar dikha raha hai 295 kilometers ka, aur taqriban koi hum sham 3:30 baje tak dikha raha, wahan pahunchenge, yahan nikalte nikalte hame taqriban koi 10:30 to ho hi gaye, kyunki subah market mein gaye uske baad aahista aahista taiyari ki hai, kyunki aaj ke din hamara jo itna lamba nahi hone wala tha, lekin abhi aage raste mein kya hota hai, this unpredictable unknown.
तो मेरा पीछे मसला हो रहा था ब्रेक का कि मेरी जो है पिछली ब्रेक वो फेल हो रही थी, तो मैंने कल बात की थी कावासाकी का जो डीलर है उसके साथ मेरा रابطہ था, तो उसने कहा है कि अगर तेरा पांव जो मुश्किल अगर ब्रेक के ऊपर है और क्योंकि ब्रेक उससे जो है ना एक्टिव रहती है तो उसकी वजह से जो है ना वो गर्म होकर फिर वो काम नहीं करती, या तो उसका जो है पैडल उसको नीचे कर दे ब्रेक पैडल को, या फिर जो है अपना ब्रेक के ऊपर से पाँव हटा लिया कर। पता लग गया, एक नया ट्रिक उसका पता लग गया। These are the beautiful hills of Pumi. मेरा दिल बड़ा कह रहा था कि मैं आज यहाँ पे और रुक जाऊँ, और यहाँ से तकरीबन कुछ 70 किलोमीटर के फासले पे हुई जो हमने वाटरफॉल वहाँ पे देखी थी ऊपर से, तो वो जो है वो नीचे से आके वहाँ से उसका एक और व्यू आता है बहुत ही खूबसूरत सा, लेकिन क्योंकि टांग की हालत अभी ऐसी नहीं है कि हम ज़रा थोड़ा सा ऑफ रोड कर सकें, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको कुछ दिन इसको रेस्ट दिया जाए ताकि उसके बाद हम पहुँचेंगे अर्जेंटीना में, और जब हम वहाँ जाएंगे साउथ की तरफ पतागोनिया की तरफ तो वहाँ पे हमारा एक्सट्रीम किस्म का ऑफ रोड होने वाला है, और वहाँ पे जो है फिर हमें हमारे दोनों टांगों की और दोनों हाथों की हमें वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली सुना है कि वहाँ पे विंड कस्ट जो है वहाँ पे हवा के जकड़ बहुत तेज़ चलते हैं पूरा साल ही, यानी कि उसमें कोई ख़ास दिन है या पूरा साल ही वहाँ पे चलते रहते विंड कस्ट, और उससे जो है ना जब ऑफ रोड कर रहे हैं और साथ में ऊपर से विंड कस्ट हैं और आपका बाइक जो फुली लोडेड है तो वो फिर काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा। लेट्स सी मौसम पता नहीं वहाँ पे कैसा है, ठंडा है कि नहीं है, लेकिन अभी हमारा जो एम है वो ये है कि हम पहले पहुँचेंगे रियो दी जनेरो, वहाँ को उसको मैं ज़रा उसको रियो को देखूँगा, और फिर वहाँ से हम जाएंगे टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट आई थिंक द नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड इग्वासू फॉल्स। तो अगर यहाँ पे हम आए हुए हैं और इग्वासू फॉल्स को हम ना देखें तो वो अपने आप के साथ ज्यादती होगी, और वो रियो से तकरीबन जो है इग्वासू फॉल्स का तकरीबन है कुछ 1700 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही लंबा रास्ता है। जनाब ये रोड चेक करें, कितनी खूबसूरत रोड है, कितने खूबसूरत व्यूज़ यहाँ पे हैं, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, मौसम शानदार, बड़े बड़े दरख्त साथ में जो है लाल ज़मीन उसके ऊपर ग्रीन हरा भरा घास, अलग ही मंजर पेश कर रही है। तो जनाब रोड जो है बहुत ही ट्विस्टी है, बहुत ही मज़े की रोड है, अभी तक हम जब पहले यानी कल से पहले जो भी हम आए तो बिल्कुल सीधी रोड आ रही थी, लेकिन आज हमारी जो रोड है वो बहुत ही ट्विस्टी, बहुत ही सीनिक और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर रुका हूँ क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा ज़रा अपने जो है ना GoPro ज़रा वाटर प्रूफ कर लूँ, लेकिन अब जो है बारिश दोबारा फिर आहिस्ता हो गई है, रुक गई है, तो मैं बेचारा हूँ बट विदाउट माइक। लुक एट दिस राउंड, सो ग्रीन एंड सो ब्यूटीफुल टुडे। कह रहे कि जरा मेरी गाड़ी को आके धक्का लगवा दे, अब अकेले हैं पता तो वहाँ पे कहाँ धक्का लगाना। कैन यू प्लीज हेल्प अस टू पुश द कार। मैंने वहाँ जाके बुलाया एक दो बंदों का, मेरे से अकेले से नहीं होना। Ciao, ciao, grazie. Obrigado. मैं यहाँ पर रुक के ये ट्रेन का ब्रिज देखा मैंने, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, मैंने कहा चलो ज़रा यहाँ पर ड्रोन उड़ाते हैं, और वहाँ फिर वो अंकल जी मेरे पास आए, कहते कि मेरी गाड़ी की बैटरी जो है वो ख़त्म है, तो ज़रा मुझे धक्का लगवा था। मैंने कहा यार मेरे अकेले से
थकान लगने वाला, प्लस मेरा जो है घुटना वो भी काम नहीं कर रहा। सामने फिर वो बैठे हुए तीन चार बंदे, उनको मैंने कहा यार भाइयों आ जाओ जरा, अच्छे लोग तो खाना खा रहे थे कि वो आ गए फिर साथ में, तो उसका जो है ना मिनट में काम हो गया। बाबा बड़ा खुश था। हमारा बाकी रहता है जी 20-22 किलोमीटर रहता है बाकी। रोड आज बहुत अच्छी थी, हम उसके ऊपर काफ़ी स्पीड से आए हैं, तो अब अल्लाह करे कि आगे हमारा जहाँ पे मैंने एक देखा हॉस्टल, उसको मैंने बुक नहीं किया था हॉस्टल को, मैंने कहा वहीं पर जाकर जरा कुछ चेक कर लेंगे, और वो शहर से थोड़ा सा पहले ही है ताकि शहर के अंदर हमें ज़्यादा ना जाना पड़े, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ पर सामान रख के तो फिर जरा हम जाएँगे सिटी सेंटर में और जरा इस पुर्तगीज़ ओल्ड टाउन को जाके उसकी ज़रा झलक देखेंगे। ये हमारे 13-33 से कुछ पहले एक और शहर है छोटा सा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला शहर, दिल तो कर रहा है मैं यहीं पर रुक जाऊं। है ये भी कोई हिस्टोरिक सिटी ही, लेकिन जो हमारा जो है 13-33 वो इससे भी सुना है कि ज़्यादा हिस्टोरिक है। अब ये वाला घर देखिए आप कितना खूबसूरत है। ये तो किसी जंगल में लेके हमें आ गया। कहाँ पर है भी हमारा पौजादा अंतोनियो? यहाँ पे थोड़े से जो इस शहर में थोड़े से एक्सपेंसिव थे, तो मैंने थोड़ा सा इसको शहर से बाहर देखा कि शायद सस्ता हो, डर से कि उसके पर जगह भी है कि नहीं। Let's go inside. Hola. Oi. ¿Cómo estás? ¿Inglés? ¿Hablas inglés? Sí. ¿Sí? ¿Una habitación para una noche? Hoy para mañana. Hoy para mañana, ¿sí? 170, cuarto duplo. 770. Sí. Ah, okay. It looks nice. It's good. Then we have the balcony. Okay. The key. The key is inside. Okay. Yes. Have a computer. Yeah. Okay. Have Netflix, HBO Max, and Amazon. Okay. All connected. That's very good. यार ये टाउन तो वाकई में जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। इसका मैं इतना खूबसूरत इसको मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। लुक एट दिस अराउंड मी। एक ये टाउन है और इसके साथ एक दो और टाउन्स हैं, उनकी जो ख़ास बात यह है कि यहाँ पुर्तगीज़ यहाँ पे क्यों आए थे और यहाँ पे क्यों उन्होंने आके इसको कॉलोनाइज किया था, उसकी वजह कि यहाँ के आसपास के जो पहाड़ हैं वहाँ पे उन्हें मिला था गोल्ड, तो उस गोल्ड की वजह से वो फिर जो है ना वो यहाँ पर रुके थे और उन्होंने ये शहर बनाया था, और इस शहर को बनाने में और यहाँ पर गोल्ड के काम करने में यहाँ पर जो हैं वो स्लेव्स वो यहाँ पे लाए थे अफ्रीका से और पता नहीं और कंट्रीज से, तो इसलिए आपको यहाँ पर भी जो है ना काफ़ी लोग जो हैं वो आपको नज़र आते हैं कि जो अफ्रीकन जो है ना ओरिजिन से हैं वो। अभी हम जा रहे हैं एक चर्च में कि उस चर्च में जो है वहाँ पे काफ़ी सारा वहाँ पे काम किया हुआ है गोल्ड का। बट लुक एट दिस टाउन, इट्स ब्यूटीफुल। ये अच्छा है कि हम यहाँ पर टाइम से आ गए और यहाँ पर लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, एक तो शहर को देखने के लिए, इस टाउन को देखने के लिए, और दूसरा यहाँ पर खाने वगैरह खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो खाने काफ़ी फेमस हैं। अच्छा वैसे इस शहर की वाइब भी अलग है, यहाँ पे इतना सुकून है, इधर यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं है इस ज़्यादा, क्योंकि आज जो संडे है और लोग वापस चले गए हैं जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है अलग ही इसकी वाइब है, पुराना लग रहा है। इसके आप इसकी सड़कें देखें, पत्थर की बनी हुई है पुरानी वाली, लेकिन जो सबसे खूबसूरत है वो आसपास की बिल्डिंग्स है। इसके कलर देखें आप, ब्लू, उसके आगे जो है वहाँ पर वो मुख्तलिफ किस्म के कलर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सिटी है यार ये तो। आज से 300 साल से भी पहले जब यहाँ पे पुर्तगीज यहाँ पहुँचे थे, और जब वो रियो डी जनेरो से या फिर साओ पाउलो से जब उन्होंने अपनी शुरू की थी एक्सपीडिशन यहाँ पे कुछ और इलाके ढूंढने के लिए, जिसके लिए वो यहाँ पे आए थे, यानी गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, कुछ और जो है मिनरल्स हो गए यहाँ पे, तो उनको ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पहुँचे थे तकरीबन के 300 साल पहले, और यहाँ पे उन्हें जो गोल्ड मिला था तो फिर वो यहीं पे रह गए, और यहाँ पे जो है फिर उसके बाद जब उन्हें गोल्ड मिला तो फिर यहाँ फिर अपने स्लेव्स लेके वो यहाँ पे आए अफ्रीका से
और कुछ और कंट्रीज से उन स्लेव्स को जो है फिर यहाँ पर उन्हें काम करवाया। अब आज से 300 साल पहले जो है यहाँ पे आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ लोग यहाँ बैठते होंगे, उनकी दुकानें होती होंगी, ऊपर यहाँ पे वो रहते होंगे, उनके स्लेव्स जो हैं वो भी यहीं पे कहीं उनका होगा, उनका कोई यहाँ पे रहने की जगह। और जो पीछे जो ये वाले हैं पहाड़ जो आपको नजर आ रहे हैं पीछे की तरफ, ये इन पहाड़ों में जो है वो गोल्ड था। आजकल तो गोल्ड यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन जो पहले जो था सारा गोल्ड यहाँ से जो है निकाल के ले गए थे। जिस चर्च में जहाँ पे हम गए थे, चर्च है वो अभी मेरे ख्याल में उसका बंद था, उसका आज टाइम सिर्फ है 3 बजे तक का, तो वो बंद था तो हम चर्च के अंदर नहीं जा सके। कहते हैं कि उस चर्च में जो है अंदर की तरफ में बहुत सारा जो गोल्ड का काम किया, पता नहीं कितने टनों के हिसाब से वहाँ पे जो है गोल्ड का वहाँ पे काम किया हुआ। तो ये जनाब इसका आ गया मेन स्क्वायर, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे अगर आसपास जो आपको आवाज़ें आ रही हैं परिंदों की, और यहाँ की जो है ओल्ड हिस्टोरिकल यहाँ की जो है वाइब, और साथ में यहाँ पे आसपास जो खानों की खुशबू आ रही है, क्योंकि आसपास यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, खानों की खुशबू, परिंदों की आवाज़ें, हल्की हल्की ठंडी हवा, सनसेट, और ये तो एक अलग से मंजर पेश कर रही हैं। दिस इज रियली ब्यूटीफुल, शुड कम हियर। तिराडेंतेस ये तकरीबन जो है कोई रियो डी जनेरो से कोई है तकरीबन कोई 400-500 किलोमीटर, तो इतना दूर भी नहीं है और इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिटी टाउन। हम जनाब आज यहाँ खाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे इस भाई साहब के पास, पास्तेल से यह तो ये बना रहा है हमारे लिए पास्तेल। वहाँ पे जो है ना फ्राइड इसमें कर रहे हैं, इसमें जो है मैंने लिया है उसको जो है ना बनाना सिनेमन शुगर के साथ, और यहाँ पे और भी मिलते हैं, तो ये यहाँ पे आपको जो है ना हर जगह पे आपको जो मिलेंगे। आज हम इसका अपना डिनर कर रहे हैं। तो नहीं जी आज सारा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा है, रास्ते में कोई ऐसी खास बारिश नहीं थी, हल्की फुल्की बारिश थी तो जो अभी ख़त्म हो गई थी उसके बाद। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ, शाम को मैं खाना खा रहा था तो खाने के तरह की ऐसी बारिश शुरू हुई है कि उसने बाद में सारा जल थल कर दिया। तो मेरे पास लकीली मेरे पास जो था नया रेन कवर मेरे पास था, तो मैं उसको पहन के वापस अपने कमरे में आया हूँ। आज मैंने एपिसोड नंबर 4 अपलोड की है इस टूर की, और काफ़ी लोगों के कमेंट्स हैं इसमें भी आए हैं, उससे पहले भी आ रहे थे कि मैं जो भी सारी हमारी जो ट्रांसलेशन वगैरह जो होती है मेरी जो होती है कन्वर्सेशन स्पेनिश में या जर्मन में या किसी और जबान में, उसको मैं ट्रांसलेट कर दिया करूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर कन्वर्सेशन के बाद आपको उसका मतलब जो है कि मैंने उनसे क्या बात किया और उसने मुझे क्या जवाब दिया, तो मैं आपको उर्दू या हिंदी में वो मैं आपको बता दिया करूँ। लेकिन हर कन्वर्सेशन जो है पूरी उसको साथ में ट्रांसलेट करना, साथ में ट्रैवल करना, और ट्रैवल करने के साथ साथ फिर वीडियो को एडिट करना, उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मेरे ख्याल में आपको मेरे पास समझ आ रही होगी कि इतना टाइम ट्रैवल करने के साथ साथ वीडियोस को एडिट करना, उनको अपलोड करना, उनको जो है फिर साथ में उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है। अब अगर मैं किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा रहा हूँ और वहाँ उससे मैं बातें कर रहा हूँ, तो उसका जो है एक ऑब्वियस सी बात है कि मैं वहाँ उससे पेट्रोल के बारे में बात करूँ कि कौन सा पेट्रोल है, कितनी कीमत है, क्या है। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि ट्रैवल करने के साथ साथ वीडियो एडिट करना और फिर वीडियोस अपलोड करना, फुटेज को निकालना, फुटेज अपलोड करना, और उसके बाद ये कोशिश में रहना कि हर 2 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड हो, तो उसमें ट्रांसलेट करना जो है ना उसको लिखना। वैसे ट्रांसलेशन जो है नीचे उसकी और जबान में तो आ रही होती है सीसी उसकी जो है ट्रांसलेशन, लेकिन जो कन्वर्सेशन जो है मेरी स्पेनिश में, पुर्तगीज में या जर्मन में, तो उसको करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें आप मेरा साथ दें और सपोर्ट करें, लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि हर किस्म की उसकी जो भी मेरी बात होती है उसका मतलब फिर मैं आपको बाद में उसको बता दिया करता हूँ, और अगर नहीं तो आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको साथ साथ उसका जो है मतलब रेड करते हुए आपको बताता जाऊँ। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। हम कल कोशिश करेंगे, कल का दिन हमारा जो है थोड़ा सा लंबा होगा, और उसमें हम जा रहे हैं एक बड़े शहर में रियो डी जनेरो में, और वहाँ जाना मुझे थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, इसलिए कि उसके बारे में मैंने बहुत सी कहानी सुनी कि वहाँ पे कितना क्राइम है, वहाँ पे कैसा मसल हो सकते हैं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। मुझे कल सुबह जो है ना यहाँ से ज़रा जल्दी निकलना पड़ेगा, और कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं वो जो है वहाँ पे दिन ही दिन में 3-4 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, ताकि उसके बाद हमारे वहाँ पे जो हालात हैं ख़राब ना हो सके। तो मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगा कल। आज की इस वीडियो को मुझे मैं ख़त्म करता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कमेंट्स में कि आज के दिन में क्या सबसे अच्छा आपको पसंद आया। तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ कल सुबह यहाँ 3:33 से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलाम वालेकुम।